हेलो मैं नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में जो ज्योतिष शास्त्र है उसका असर बहुत ज्यादा होता है। ज्योतिष में कहा जाता है कि अगर गणित है और फलित है तो उपाय भी है, यानी कि अगर आपके ग्रह नक्षत्रों की गणित कुछ बिगड़ गई है और उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ फलित हो रहा है तो उसको ठीक करने का जो उपाय है वो भी ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है। वैसे तो हम सब लोग अमूमन अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स को मिलके अपने पत्री के उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिनमें किए गए उपाय महा उपाय बन जाते हैं। उस दिन अगर हम अपने पत्री या वास्तु के अनुसार कोई उपाय करते हैं तो उसका हमारे जीवन में और ज्यादा असर आता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ आने वाली महाशिवरात्रि की। ये तो हम सब जानते हैं कि आने वाली 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का दिन है और ये बहुत ही शुभ और बहुत ही पावरफुल दिन माना जाता है। और आज के दिन अगर आप कोई भी उपाय अपने पत्री या वास्तु से संबंधित करते हैं या फिर पत्री के अनुसार कोई भी मंत्र जाप करते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उसका फल आपके जीवन में 100 गुना होकर आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पत्री में हमारा सूर्य कमजोर होता है और हमें मान सम्मान नहीं मिल पाता, हमारी नेटवर्किंग नहीं हो पाती या फिर शनिदेव हमारे दुष्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से हर काम में डिले आने लगता है और हर काम में हमको असफलता मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो भाग्येश हैं हम उनका कुछ उपाय जो है करना हमारे लिए जरूरी होता है या फिर हमारे पंचमेश या लग्नेश का उपाय करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक दशा जो भी हमारी महादशा या फिर हमारी अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है अगर हम उसके हिसाब से कुछ उपाय करते हैं तो वो भी हमारे जीवन में एक बहुत ज्यादा खुशहाली और अच्छे रिजल्ट लेकर के आ जाता है। तो महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन है जिस पे अगर आप उपाय करते हैं तो जैसा मैंने कहा आपको उस उपाय का जो फल है वो 100 गुना होकर मिलता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आ रही है, आपके कामों में डिले आ रहा है या फिर आपको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं या फिर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं फेस कर रहे हैं या रिलेशनशिप्स आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं तो अपनी पत्री दिखा करके अपने वास्तु को चेक करा करके महाशिवरात्रि के दिन जो भी उपाय होने चाहिए उनको आप करवाइए और उनका असर जो है वो बहुत जल्द आपके जीवन में फलीभूत होगा। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो शिव तत्व है वो धरती को टच करता है और शिव तत्व जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैला होता है। ऐसा कहा जाता है शिव जी के लिए कि परम कारण कारणाय तस्मय नमः, यानी कि शिव जी इज द कॉज बिहाइंड ऑल कॉजेस। किसी भी चीज का, किसी भी परेशानी का या किसी भी अच्छी चीज का जो मुख्य कारण है वो है शिव जी, यानी कि शिव तत्व। और जब हम महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को अपीज करते हैं, प्लीज करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं या उस दिन कोई उपाय करते हैं तो उसका जीवन, हमारे जीवन में उसका जो असर है वो आता ही आता है और कई गुना बढ़ के आता है। तो इस महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में रुद्राभिषेक कराएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव जी की अर्चना आराधना करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आने लगेगी भोले बाबा की कृपा से। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसमें जो मैंने आपको बताया है उसको आप जरूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड ओम नमः शिवाय।